हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले वाटर पम्प। इसके लिए हमें सबसे पहले एक मोटर चाहिए, ये आपको इजीली 20 रुपये की मिल जाएगी। और हमें चाहिए एक बोरो प्लस की डिब्बी, उसके बाद में चार छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े चाहिए हमें, और एक गियर या कुछ भी ले लेना है आपको ये इसके अंदर की वो चक्री बनाने के लिए। और दो पाइप चाहिए, ये मैंने पेन गोल्डेक्स पेन आता है उसका काटा है, ये आप भी काट लेना। और ये पेन के हुक्के का काटा है। तो सबसे पहले गाइस हमें करना क्या है, ये यहाँ पे एक छेद कर देना है, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पाइप लगाना है। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे छेद कर लिया है ये पाइप फिट करने के लिए। और इसी प्रकार हम यहाँ भी वो हॉल कर लेंगे ये वाला पाइप फिट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसे खोल के। ये देखें, अब इसमें ये वाला पाइप यहाँ से लगा देते हैं। अरे यार, चलो खोलें। लगा दिया है। फेविक्विक लेना है गाइस, फेविक्विक से इसे मजबूती से यहाँ इसके आइट साइड डाल देना है, ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। गाइस उसके बाद में यहाँ पे भी पाइप लगाना है, तो ये वाला पाइप हम यहाँ लगा देंगे, और इसे भी फेविक्विक से मजबूती से चिपका देंगे। ठीक है गाइस, हमारा ये सिस्टम तो कंप्लीट हो गया है। अब इसे इसमें हमें मोटर लगानी है। मोटर लगाने से पहले सबसे पहले हम इसकी अंदर की पंखुड़ी बना लेते हैं गाइस। तो गाइस इस पे जल्दी जल्दी हम ये प्लास्टिक के टुकड़े चिपका लेंगे कुछ इस प्रकार। ये देखिए गाइस, हमने ये बना ली। मोटर लगाने के लिए इसमें एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा, तो चलो वो कर लेते हैं किसी भी चीज़ के सहारे। गाइस परफेक्ट लग गया है, अब इसे भी फेविक्विक से चिपका देंगे हम। देख सकते हो यार, हमने इसमें अच्छे से मोटर लगा ली है। अब हमें करना क्या है, ये सिंपली जो हमने बनाई थी इसकी ये पंखुड़ी, इसको इसके अंदर लगा देना है।